खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की शुरुआत तो हो ही चुकी है, जिस चीज का शूटिंग केप टाउन में शुरू हो चुका है। लेकिन पहले ही टास्क में कौन से चार कॉन्टेस्टेंट की लग चुकी है बैंड और जिन्हें मिल चुका है फियर फंदा, आइए नजर डालते हैं इस वीडियो में, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगी कि आखिर कौन सा गेम था, गेम में कौन कौन शामिल थे और उस छह कॉन्टेस्टेंट में से कौन दो ने बाजी मारी और कौन चार को मिला फियर फंदा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और शो की होस्ट दीप्ति मिश्रा। आपको बता दूं, यूं तो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 बाकी सीजन से ज्यादा ही सुर्खियों में रहने वाला है, क्योंकि इस सीजन के एक एक छोटे से छोटे अपडेट्स को लेके फैंस लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो इस बीच में आपके लिए एक और खबर लेकर आ गई हूँ। भले ही शो ऑन एयर जाना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस शो के पल पल की खबरें जानना आपका भी हक है, क्योंकि आप भी इस शो के बड़े फैन हैं, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रोहित शेट्टी हर बार की तरह इस बार भी इस शो को होस्ट करने वाले हैं और उन्होंने होस्ट किया पहला शो, जिस फर्स्ट आप कह सकते हो एपिसोड में ये दिखाया गया, फर्स्ट गेम में ये दिखाया गया है कि छह कॉन्टेस्टेंट को एक गेम परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। जो गेम था ये वाटर स्टंट था, पानी के अंदर जाके आपको करना था और ये थोड़ा रिस्की भी था और ऐसा लग रहा था लोगों को, जिन लोगों से एक्सपेक्टेशन था उन्होंने मात खा गए और जिन लोगों से उम्मीद नहीं था उन्होंने बाजी मार लिया। मैं आपको बता दूं कि छह कॉन्टेस्टेंट का नाम सामने आया था इस गेम के लिए। जिस छह कॉन्टेस्टेंट का नाम है वो है ऐश्वर्या शर्मा, रूही चतुर्वेदी, अर्जित तनेजा, शिव ठाकरे, रोनित रॉय और सौंदर्श। फिर इस बीच वाटर स्टंट परफॉर्म करते वक्त मे भी लोगों को जोड़ी जोड़ी के हिसाब से करना था, एंड फ्रॉम दैट पर्पस ऑनवर्ड ऐश्वर्या पहली बारी में ही बाजी मार ली एंड खुद को फियर फंदे से उसने बचा लिया। दूसरा नाम जो इस फियर फंदे से छुटकारा के लिस्ट में आया वो है रूही चतुर्वेदी। जी हाँ, रूही को भी पानी से उतना ही फियर है, लेकिन रूही ने भी ये स्टंट कंप्लीट कर दिया। बाकी के बच्चे जो चार कॉन्टेस्टेंट है उन्होंने मात खा गए, यानी कि शिव ठाकरे, रोनित रॉय, सौंदर्श और अर्जित। ये चार कॉन्टेस्टेंट को पहले ही स्टंट में मिल गया है फियर फंदा। अब ये नेक्स्ट जो राउंड होगा उसमें जो भी बाकी कॉन्टेस्टेंट के साथ फियर फैक्टर, ये फियर फंदा हटाने के लिए फियर फैक्टर का गेम खेलने वाले हैं। एंड हर बार की तरह इस बार भी रोहित शेट्टी कुछ नया लेके तो आए ही हैं और हर बार की तरह इस बार भी खतरा पहले सीजन से कई गुना ज्यादा हो सकता है, जिस बात की जानकारी पहले भी हमने आपको हमारे चैनल के थ्रू से बता दिया था। अब देखना यह खास हो कि आखिरकार कौन एलिमिनेट होता है और कौन बाजी मार जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फीफा फूल्स।